राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भागरे आओ। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, देश में राजनीति के नाम पर और राजनीतिक भाषण देने के स्वतंत्रता के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, इस नंगा नाच पर कोई राजनीतिक दल बोले ना बोले, हमने बोलना तय किया है। कोई मीडिया हाउस इसके खिलाफ बोले ना बोले, हमने तय किया है। और हम आज आपके सामने दोबारा करीब एक साल के बाद ओवैसी बंधु और उनके पार्टी के नंगा नाच को लेके कार्यक्रम आपके सामने लेकर आ रहे। हम पूछ रहे समस्त हिंदुस्तान को ये सवाल कि आखिर इन ओवैसी बंधुओं का एमआईएम पार्टी का नंगा नाच बंद होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इनके भाषणों को अगर आप देखेंगे तो ये इतने जहरीले है कि इसको इसके कान में शब्द जाते ही जहर फैल जाता है। ये इतने धर्म विरोधी है कि देख दूसरे धर्मों के खिलाफ लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके दल ने भले ही महाराष्ट्र में 2 एमएलए जीते हो, लेकिन महाराष्ट्र के 2 टुकड़े करने में यह कामयाब रहा है और बड़ी मात्रा में वोट तो लिए ही है। लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध तो जहर फैलाया ही, मुसलमानों के मन में भी देश के प्रति और हिंदुओं के प्रति जहर फैलाने में इसने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए इस पर कार्रवाई होने तक पिछले बार हमने लगातार कार्यक्रम चलाया था और आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको लंदन से वापस बुलाकर अरेस्ट किया था। और अब हम दोबारा वही करने जा रहे हैं कि जिस क्राइम के लिए, जिस गुनाह के लिए इसको पिछले बार अरेस्ट किया गया था, वही गुनाह ये बार बार कर रहा है और फिर भी ये बाहर कैसे है। हम आपको दिखाएंगे इसके वो जहरीले भाषण, जो भाषण इसने इस इलेक्शन में दिए, और पूछेंगे चुनाव आयोग को कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ऐसे तमाम विषयों को लेकर अगले 3 दिनों तक, आज का शुक्रवार, कल का शनिवार और रविवार, हम आपके सामने लाइव ये बिंदास बोल लेकर आ रहे हैं। इसका रिपीट टेलीकास्ट आप रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे देख सकते हैं। और इन 3 दिनों में अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार से हम फिर प्राइम टाइम में इस मुद्दे को लगातार लेके आएंगे, तब तक जब तक ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जरा देखते इसकी एमआईएम है क्या। बाबरी मस्जिद छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना काशी छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना मथुरा छोड़े थे ना छोड़ेंगे। संस्थापक नेता बहादुर यार जंग भारत द्रोही था, साथ ही वो हैदराबाद को भारत में मिलाने का कड़ा विरोधी था। अपने अलग विचारों के चलते संगठन का अलग संविधान, झंडा और काम करने के तरीके बनाकर उसने उस समय के मुस्लिम लीग से संबंध स्थापित किया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को भारत से तोड़ने के लिए हैदराबाद की जनता को धमकाने और अपने दबाव में रखने में भी वो आगे था। 15 सितंबर 1948 को भारत ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर उसका संस्थान 17 सितंबर को भारत में मिला लिया। उसी दिन भारत सरकार ने इत्तेहाद उल मुसलमीन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध साल 1957 में हटाया गया। इत्तेहाद उल मुसलमीन का मूल इतिहास यहाँ खत्म तो हो गया था, लेकिन उसकी जड़ें जिंदा थी। साल 1974 में उसके कार्य को पूरा करने का मसुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इत्तेहाद उल मुसलमीन के काम करने के पुराने तरीके को फिर से जिंदा किया। इतना ही नहीं, उसने इस्लामी राज्य प्रस्थापित करने की राजनीति फिर से शुरू कर दी। आगे चलकर सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने दल का उत्तरदायित्व तो अपने दोनों बेटों बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। आज इन दोनों भाइयों का हैदराबाद में दबदबा है, यहाँ पर इनकी सत्ता चलती है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो कुल 24 सीटों पर एमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में इस पार्टी के 2 विधायकों ने अपनी जीत भी दर्ज कराई। अब इसे दहशत नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि यहाँ की जनता इन दोनों भाइयों का विरोध नहीं करती, चाहे ये कितने ही भड़काऊ भाषण क्यों न दे। विवाद को पैदा करने में तो इन दोनों भाइयों ने महारत हासिल की हुई है। बड़ा भाई असादुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक। दोनों की शिक्षा तो उच्च स्तर की है, लेकिन स्थानीय स्तर की गंदी राजनीति करने में ये पीछे नहीं है।
कुख्यात होने पर भी वे सरकार को सदा अपने दुष्कृतियों को अनदेखा करने के लिए विवश करते हैं। दोनों ही भाई कट्टरवाद को आगे रखते हैं, किसी न किसी बहाने हैदराबाद की जनता को भड़का देते हैं और अपने भाषणों में हिंदू और हिंदुओं के भगवान पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को तो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देखा जाता है, जो हिंदू मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा फैलाने और देश को बांटने वाले अनेक सार्वजनिक भाषण करता रहता था, जिसके चलते देश का विभाजन भी हो गया था। आज ये दोनों ओवैसी भाई भी भारत को बांटने पर तुले हुए हैं। इनका जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो ये इसी तरह भारत में भड़काऊ भाषण करते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़।